हेलो गाइस गाइस, आज मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ आपको लासा एक्सो के बारे में, या जो भी ज़्यादा बाल वाले डॉग्स होते हैं उनके साथ परेशानी होती है जिसको हम ज़्यादातर अवॉइड कर देते हैं, या हम उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, या उसको टच करना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताऊँगा इनकी आँखों के पास ये जो बाल आपको दिख रहे हैं जिसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानी होती है देखने में, सब तरफ चारों तरफ देखने में, सामने देखने में, और ये जो बाल हैं इनकी आँखों के अंदर जाते हैं जिससे पानी आता है आँखों में, कीचड़ वगैरह आना, और आँखों को परेशानी होती है। तो ये काम आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुली आपको करना पड़ेगा। आपका डॉग ऐसा होना चाहिए जो कि शांति जैसे बैठा है, जैसे कि हमारी छोटी बैठी हुई है, शांति से बैठे, कुछ ट्रीट्स आप अपने साथ रखें जो कि उसका ध्यान भटका नहीं, ना भाई के उसको अच्छा रहेगा, तो आप उसको ट्रीट भी दे सकते हैं जिससे कि वो खुशी खुशी खाएँ और शांति से बैठ रहे। और उसको आप घर पर साफ कर सकते हैं, आँखों को बाल काट सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुली आपको ये काम करना है क्योंकि आँखों का मामला है, छोटी सी गलती आपको महंगी पड़ सकती है। तो दिस इज़ द थिंग। और ये बालों की परेशानी ये भी है कि ये बहुत जल्दी भर जाते हैं, तो इसीलिए हम इनको बार बार वेट नहीं ले जा सकते, डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, जो कि चार्जेस करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो घर पे आप इजीली कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा अब इसको इतनी परेशानी हो रही है अभी से, वैसे तो मैं काफ़ी क्लियर रखता हूँ आँखों को, लेकिन अभी यहाँ से बाल इसके इधर आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा जिससे कि इसको देखने में परेशानी नहीं होगी। तो ये बहुत जेंटली हमको करना है, ठीक है। कैंची चलाने का तरीका हमेशा आप इस तरीके से ना चलाएं, बालों को आप इकट्ठा कीजिए तरीके से और इसको ऐसे चलाएं पूरा बहुत जेंटली। कभी कभी डॉग्स मूव कर जाते हैं, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। ये देखिए ये जो बाल है वैसे आ रहे हैं, तो मैं इसको हल्का सा इधर कट दूंगा बालों में। तो अभी इसको कम से कम दिखने में तो आराम आराम से कीजिएगा, अगर करना भी पड़ता है तो कोई जल्दीबाजी ऐसी नहीं है कि हम अपने डॉग को परेशान कर रहे हैं, उसको कोई चोट लगाते हैं और उसको लेके भागना पड़े। जस्ट गो स्लोली, बहुत धीरे धीरे, इजीली, जेंटली आपको करना है, ठीक है। अभी इस तरफ की है छोटे रिमूव, देखिए तरीका वही है, बाल इधर से आ रहे हैं, हमको कैंची ऐसे लगानी है जिससे कि वो अगर हिल भी जाता है तो उसको चोट नहीं लगेगी। देखो देखिए छोटू छोटी कितना कॉपरेट कर रही है, आंखों को उसने बंद कर लिया है बहुत अच्छी तरह, उसको पता है कि उसके बाद उसको अच्छा दिखने जा रहा है, तो इसीलिए उसने काफ़ी कॉपरेट किया। और ये काम अगर हो सके, आप जब बच्चा लेकर के आ रहे हैं छोटा पप्पी घर पर, तब भी उसको आप इन चीज़ों की आदत डालें, अदरवाइज जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप उसको वो आपको परेशान कर सकता है इन सब चीज़ों के लिए। थोड़े से ये जो बाल हैं ये यहाँ से हटाने पड़ेंगे। अभी काफ़ी हद तक हमने इसको साफ कर दिया है, आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल जो सारे बाल हैं वो हम हटा चुके हैं, इससे कि इसको दिखने में परेशानी नहीं होगी। तो कहने का मतलब यही है कि आपको ये काम घर पे आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये आँखों का मामला है, बहुत जेंटल चीज़ है। डॉग अगर छोटी जैसा है बहुत अच्छी बात है, अग्रेसिव है तो उसको आप मजल पहना लें, इसका मुंह बंद कर लें और ये कर सकते हैं। अगर आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वेटर जो डॉक्टर के यहाँ भी ले जाएंगे वहाँ भी आपको करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, और इनकी आंखें साफ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको आई इन्फेक्शन हो जाता है आँखों में जो है परेशानियाँ हो जाती है, कीचड़ आती है, पानी आता है, ये अनकम्फर्टेबल है, बोल नहीं सकते, लेकिन हमको उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आई होप गाइस यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।